निश्चित रूप से अमित जोगी जी माननीय अजीत जोगी जी के सुपुत्र हैं, एक बड़ा नाम है और उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अमित जोगी जी के आने के बाद अब क्या सिचुएशन बनता है, अभी तो नामांकन हुआ है, आगे देखते हैं क्या होगा। मैं हमेशा से उनके खिलाफ लड़ता रहा, कांग्रेस भी नहीं की है, कांग्रेस भी कहाँ की है, वो तो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा, आज हमारे साथ दुर्ग सांसद पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं, उनसे हम चुनावी बात कुछ करते हैं। विजय बघेल जी, छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नामांकन का आखिरी समय खत्म हो चुका है, कल एक बहुत बड़ा जादू चमत्कार हुआ है पाटन में। अमित जोगी जी ने नामांकन दाखिल करके इस चाचा भतीजे की लड़ाई को और तिकोनी कर दिया, आपके क्या विचार? देखिए, सबकी अपनी इच्छा होती है चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने कोई भी आए स्वागत है। निश्चित रूप से अमित जोगी जी माननीय अजीत जोगी जी के सुपुत्र हैं, एक बड़ा नाम है और उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। पाटन में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, जो जहाँ चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अभी वर्तमान में वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, अमित जोगी ने कहा कि वर्ल्ड कप छत्तीसगढ़ के पाटन में शुरू हो चुका है, कांग्रेस बैटिंग कर रही है, भाजपा बॉलिंग कर रही है, हम उसके असली निर्णायक है, कितना सार्थक है उनका? वो तो चुनाव चुनाव है, मैं क्रिकेट से नहीं जोड़ता इसको, क्रिकेट अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। ठीक है, वो अपनी भावना रखे हैं और सबको अपनी अपनी भावना रखने का भी की आज़ादी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो आमना सामना हो रहा है, निश्चित रूप से अमित जोगी जी के आने के बाद अब क्या सिचुएशन बनता है, अभी तो नामांकन हुआ है, आगे देखते हैं क्या होगा। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि चाचा भतीजा, चाचा यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो वर्तमान विधायक हैं और आप पर आरोप लगाए हैं, दोनों में सिटिंग करके राजनीति कर रहे हैं पाटन में, अब असली लड़ाई चुनाव का ये आ चुका है। वो अंदर की बात नहीं जानते इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं हमेशा से उनके खिलाफ लड़ता रहा हूँ, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और ये बोल रहे हैं, वो उनके मन की शंका है, अब मैं उसको दूर नहीं कर सकता। भाजपा अभी घोषणा पत्र पेश नहीं की है, कब तक पेश करेगी जनता के बीच? जल्दी करेगी, कांग्रेस भी नहीं की है, कांग्रेस भी कहाँ की है, वो तो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी वो कुछ बोल रहे हैं, जो आ रहे हैं वही मर्जी बोल रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र एक साथ आएगा और हम जो निर्णय लेंगे वो दिखेगा, हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। हम ऐसा हमारे नेता ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारक भी आके छत्तीसगढ़ में वादा करते जा रहे हैं कि हमें दोबारा सरकार लाइए। वही चीज़ बोल रहा हूँ, झूठ 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 बोलने वाले लोग अब फिर से झूठ बोलने के लिए आ गए हैं, एक बार झूठ चल गया दोबारा नहीं चलने वाला। अमित जोगी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा का रिश्ता पति पत्नी जैसा है, दिन में तकरार, रात में प्यार, फिर इनके बच्चे जो जन्म होते हैं भ्रष्टाचार, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं जानते, वो अपने अपनी बात कह रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये थे विजय, कुछ नहीं है, ऐसे पहले और जुमले हुआ करते थे, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ये है विजय बघेल जो प्रचार में अब निकल चुके अपने समर्थकों के साथ, अब ये प्रचार दिन भर इनका चलता है, देर रात तक अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और अमित जोगी के पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल करने के बाद पाटन का तिकोनी मुकाबला हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विजय बघेल भाजपा के प्रत्याशी हैं। ये तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक बन के बैठेगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, पाटन विधानसभा।